राजघाट थाने पर नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क का शुक्रवार को एसएसपी दिनेश कुमार पी द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया। इस मौके पर एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कोतवाली वीपी सिंह, राजघाट थाना प्रभारी अरुण पवार सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। महिला हेल्प डेस्क के लोकार्पण के बाद एसएसपी दिनेश कुमार पी ने राजघाट थाने का निरीक्षण किया और आगंतुक रजिस्टर, मालखाना, शास्त्रागार कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि थाने पर आने वाली महिला फरियादियों के लिए महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिससे महिला फरियादियों को थाने पर आने के बाद उचित सुविधा प्रदान की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ॐ नमः देवत्रमन्यौ दोदैषवे नमः ओम सदे नमः नचक्राचरचन्दनो नाम पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो हरियारिविकतैर्गन्तो होमतिर्देवरतिरन्तरिचमसि माता सपिता सपुत्रः विश्वदेवा यतिः पञ्चजना यतिर्जातमतिर्जनुद्वाम्मो शान्तिरन्तरिजगं शान्तिः ॐ विश्वानि देवा सविता दुरितान् परासुहा जगद्रन् कन्नासुहा ॐ हरिः ॐ माधः नोटिस महिला डेस्क ये थाना राजघाट में महिला हेल्प डेस्क और महिला विश्राम कक्ष का उद्घाटन किया गया था कप्तान साहब के द्वारा। इसमें जो भी आसपास की जो महिला कर्मी हैं, जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं, उन सबको मदद मिलेगी। महिला कर्मी वहां पे आके रेस्ट कर सकती हैं, जो विश्राम कक्ष है वहां पे, और जो महिला वादिनी हैं वो अपनी समस्या लेकर के महिला हेल्प डेस्क पर अपनी समस्या बता सकती हैं।